हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे सेयार करने गोटे नुआ रेसीपी नहीं आल देखिए आज रेसीपी ये गोटे जगह नहीं कि गोटे ग्लास बिरी नहीं दी ग्लास चाउल नहीं भल भाव पा देकु बतुरी रखिदेवि मुझे राति ही बतुरी रखुची। ये मु कटा टमाटो कटा प्याज तास कि अदा और रसुण रखी तास कि ग्रीन मटर आउ सीझा आलू रखी और ये मु ग्रानिशिंग करने गाजर बीट नड़िया धनिया पत्र आस कि प्याज भी काट रखी एवं अदा और रसुण को मु छेचिदेवि एवं आम रखि बिरी आउ चाउल को भल भाव धोईकी तार पेस्ट बनई नबा। एबे गोटे कढ़े बसईकि आम तेल पकेबा आउ से अल्प जीरा पकेबा आउ काटिक रखी प्याज पकेदबा एबे प्याजटा टिके रेड कलर हो आसिले आम से अल्प काश्मीर लंका गुंड पकेबा आउ अल्प हलदी गुंड पकेबा आउ किछि लंका गुंड पकेकि मसलाटा को गोळे देबा। एबे सेथिरे कटाई थिबा टमाटर पकेबा आउ छेचिक रखी अदा रसुण को भी से पकईदे अल्प लुण पकेबा रखी ग्रीन मटर को भी आम मसल पकईदे एबे से अल्प धनिया पाउडर आ अल्प चिकन मसला पके कि मसला टुक भल भाव कसीद अल्प गोलमरीच गुंड पकईदे एबे मसलाटा भल भाव कसी जाइए एबे आम से सीझे रखी आलू पकई कि मसला सब भल भाव गोलईदे ए अल्प लुण पकाच कहीं मसलार लुण टे कम अच्छे आप टेस्ट करके पकेबे। तो ये आम आलू मसला रेडी सारी एवं आम दोसा बनवा तो से फास्ट आणरे आम अल्प लुण पकई भल भाव गोलईदे एवं गोटे नॉनस्टिक पैन बसईबा और भल भाव गरम हो सर आम से दोसा करवा। एबे पिठार ऊपर भागटा सुखी आसे आम तार चारिपटे तेल देद आउ गैस को लो फ्लेम रे रखी आम से मसला दबा एबे से आम काटिक रखी प्याज गाजर बीट आउ कि धनिया पत्र आउ नड़िया को आम तापर भल भाव गार्निशिंग कर नबा। एबे आमर मसला दोसा रेडी सारी आपको आपण मैंने सांबर आउ चटनी सह खाई मुझे सांबर आउ चटनी रेसीपी अलग गोटे बनई मैंने जाकि देखिपर। तो आज रेसीपी आपति लगे मत कमेट्रे जनइबे आज रेसीपी भल लगी भिडियो को लाइक आउ शेयर करे आ चैनल को सब्सक्राइब करने को भूल। थैंक यू।